ऑल राइट, सो हेलो गाइज, मेरा नाम रविंद्र सिंह नेगी और आप देख लो टेक पहाड़ी। तो आज की वीडियो और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है हर रोज़ की तरह। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले चलता हूँ पीसी पे अपने, और यहाँ पे आप देख सकते हो यार यूट्यूब मैंने एज अ ऐप बना रखा है यहाँ पे। तो और ये मैंने बना रखा है क्रोम से सिंपली, ठीक है। आप कैसे इजिली बना सकते हो इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यार कहीं लोग यार क्रोम पे जाते हैं फिर दोबारा यहाँ पे यूट्यूब सर्च करते हैं अगेन एंड अगेन, उसके बाद यूट्यूब पे जाते हैं। बट यार अब आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा, आपको इजिली यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करोगे सीधे आप यूट्यूब पे पहुँच जाओगे, ठीक है। और कहीं लोग यार इंस्टॉल भी करते हैं, मतलब इंस्टॉल होते हैं ऐप मतलब यूट्यूब वगैरह के, बट हमको यार उतनी मेमोरी क्यों भरनी है, हम इजिली इसको कर सकते हैं जब क्रोम से। तो इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ तो कैसे कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ऑल कीजिए, तब जाके मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे मैं एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए गाइज यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यार यहाँ पे आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और अब आप देख सकते हो यार आप पे मतलब कोई भी एक क्रोम मतलब कोई सा ही ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है, क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, तो कोई सा भी हो आप पे वो आप कर सकते हो इजिली। और मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज यार मैंने अनइंस्टॉल मार दिया है, मतलब इंस्टॉल तो मान नहीं सकते बट मैंने किया है। तो यहाँ पे गूगल क्रोम आप देख सकते हो, इससे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सेम अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप मैं मतलब यूट्यूब बहुत सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे पहले चला गया, तो जैसे ही मैं यूट्यूब में गया उसके जैसे मैं यहाँ पे देखो आप यूट्यूब का इंटरफेस आ गया, ठीक है, पूरा अंदर घुस गया मैं यूट्यूब के। तो आप यार डेली यूसेज में जैसे यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यूट्यूब खोल दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट, तो थ्री डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मोर टूल्स। तो मोर टूल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको दिखेगा क्रिएट शॉर्टकट। क्रिएट शॉर्टकट पे आपको इजिली क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट शॉर्टकट, और यहाँ पे यूट्यूब बाय डिफॉल्ट नेम आ गया। आप कुछ भी रख सकते हो यार, जैसे मैंने रख दिया नेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको कर देना है ओपन एज अ विंडो पे, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है, ब्लू टिक, और उसके बाद आपको इजिली कर देना है यहाँ पे क्रिएट। तो जैसे यार आप यहाँ पे ऐसा करते हो वैसे ही आपके सामने एक मतलब एक और स्क्रीन खुल के आती है यूट्यूब की, इसको आपको इजिली कर देना है कट, और इसको भी हम क्रोम से भी, ठीक है, निकल जाते हैं, क्लोज कर देना इसको। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम से निकल जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार मेरे जो डेस्कटॉप के स्क्रीन पे यहाँ पे आप नेगी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको पहले मैं पिन कर देता हूँ नीचे, ठीक है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे एक यूट्यूब का सिंबल आ गया है, और ठीक है। और उसके बाद अब आपको दिखाता हूँ यार कहाँ पे आया है। तो उसके बाद यार आपको यहाँ पे इजिली चले जाना अपने विंडो पे, और यहाँ पे आपको सर्च कर देना नेगी। तो नेगी सर्च करूँगा नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे कंसिडर एज अ ऐप इसने मतलब यहाँ पे नेगी कर दिया है, ठीक है। तो मतलब इसको एक ऐप के तौर पे इसने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है, नेगी आप देख सकते हो। तो जैसे ही अब मैं यार नेगी पे क्लिक करूँगा या नीचे यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करूँगा वैसे ही मैं पहुँच जाऊँगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली मेरे को यार क्रोम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा इजीली क्रोम पे यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करिए, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप सर्च कुछ भी टैग पहाड़ी वगैरह, जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो YouTube है काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको यार इसको अनइंस्टॉल करना है, मतलब जैसे आप देखना चाहते हो उसकी एग्जैक्ट, आप यहाँ पे इसको कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, या तो मोर पे जाके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन फाइल लोकेशन। तो जैसे ही आप ओपन फाइल लोकेशन करोगे यहाँ पे देखो, एक मैंने कैमरा कर रखा है और एक यहाँ पे नेगी मतलब यूट्यूब का कर रखा है। तो इसको क्या कर देना, आपको शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करते हो तो यार यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, नेगी देखो आप यहाँ पे हट गया, और यहाँ पे रहेगा यार इसको, तो इसको भी आपको यहाँ से डिलीट कर देना है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको डिलीट कर देंगे, और सेम यार सेम प्रोसीजर माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए है, आपको वहाँ पे भी मोर टूल देखने को मिलेगा और वहाँ से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यार आपको कोई मतलब उसकी बात नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अलग फंक्शन होंगे और उसमें अलग करना पड़ेगा, सारे ब्राउज़र में ओपरा मिनी वगैरह यूज़ करते हो आप कुछ भी यूज़ करते हो, तो यार सेम सब में ऐसा ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम ही यूज़ करिए यार, माइक्रोसॉफ्ट एज बेकार ही है, मतलब मेरे को तो बेकार ही लगता है उसका इंटरफेस पूरा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट टाइम। और कैसी लगी आपको यार ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइए, और कैसी वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए वैसी जरूर एक मतलब कमेंट आप कर दीजिए हर बार की कैसी आपको मतलब वीडियो, कौन से आपको कोई टॉपिक हो आपका जिस जो आपको मतलब समझ या मतलब उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन मैं पक्का दूंगा। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट टाइम।